सीखने की शुरुआत स्वतामृत शर्मा के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वतामृत शर्मा, स्वागत है आपका ऐतिहासिक चरित्रों के जीवन परिचय से जुड़े मेरे चैनल सोने की चिड़िया नंबर वन में। इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य इतिहास के प्रसिद्ध चरित्रों के साथ गुमनाम चरित्रों को भी आपके सामने लेकर आना था, इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया, चर्चा में नहीं है। दोस्तों, इतिहास से जुड़े मेरे ये वीडियोस न केवल स्कूल कॉलेज जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हैं, बल्कि हर उम्र के लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि इससे न केवल आपको भारत बल्कि विश्व इतिहास को भी जानने में काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस महान चित्र के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, वो एक महान दार्शनिक, महान कवि, प्रख्यात लेखक, अनुभवी संगीतकार तथा एक महान विद्वान थे। मैं बात कर रही हूँ सिखों के दसवें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में, जिन्होंने न केवल अपने उपदेशों से सिखों का मार्गदर्शन किया, बल्कि समाज में हो रहे अत्याचार और अन्याय के खिलाफ सारा जीवन वो संघर्ष करते ही रहे, और यहाँ तक कि अपने पिता तेग बहादुर की तरह वो भी हंसते हंसते देश धर्म और मानवता के लिए कुर्बान हो गए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण एवं रोचक घटनाओं के बारे में। वैसे तो इनकी जन्मतिथि को लेकर इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, फिर भी ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को बिहार राज्य के पटना जिले के पटना साहिब नामक स्थान पर हुआ था। यह स्थान आजकल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब के नाम से जाना जाता है। इनके पिता सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर थे और इनके माता का नाम गुजरी देवी था। जब इनका जन्म हुआ तब इनके पिता असम गए थे धार्मिक उपदेश देने के लिए, इसीलिए ये अपने जन्म के बाद लगभग 4 वर्षों तक पटना साहिब में ही रहे, और इनके पिता के असम से लौटने के बाद ये अपने परिवार सहित पंजाब चले आए 1670 ईस्वी में। यहाँ ये 2 साल रुके, उसके बाद मार्च 1672 ईस्वी में हिमालय पहाड़ के शिवालिक घाटी के नीचे चकनान के नामक स्थान, जो कि अब आनंदपुर साहिब कहलाता है, वहाँ ये रहने लगे। हालांकि इस स्थान को इनके पिता ने ही बसाया था, यहाँ पर इनकी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत हुई। यहाँ इन्होंने उर्दू, फारसी, संस्कृत और गुरुमुखी के साथ साथ अस्त्र शस्त्र, तलवारबाजी, निशानेबाजी और मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग ली। इस तरह इनका जीवन चलता रहा। इसी समय इनके पिता के पास कश्मीर से मुगलों के द्वारा सताए हुए कुछ पंडित आए, जिन्हें की जबरदस्ती यानी जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बनाया जा रहा था। वे इनके पिता के पास आए और इन्होंने गुहार लगाई कि नवाबों ने यह आदेश जारी किया है कि है कोई महापुरुष जो कि इस्लाम को स्वीकार न करके हमारा मुकाबला करे और अपना बलिदान दे सके, तभी हम आप लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं कराएंगे। इस बात को सुन ही गुरु तेग बहादुर सिखों की रक्षा के लिए मुगलों से डटकर सामना करने लगे और उन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं की, जिसके कारण 11 नवंबर 1675 ईस्वी में औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर सरेआम उनका सिर कटवा दिया। इसके बाद आगे चलकर 29 मार्च 1676 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी, जिनका बचपन का नाम गुरु गोविंद राय था, उन्हें सिखों का 10वां एवं अंतिम गुरु बनाया गया। गुरु बनने के बाद इन्होंने तलवार उठा ली तथा लोगों को तलवार को ही अपना साथी बनाने को कहा। उस समय ये मात्र 9 वर्ष के थे। इस तरह से ये सिखों की तथा सिख धर्म की रक्षा करने लगे गुरु बनने के बाद, और लोगों को उपदेश देते रहे। जहाँ तक इनके वैवाहिक जीवन का सवाल है तो इन्होंने अपने जीवन में कुल 3 विवाह किए थे, जिनसे इन्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह ये आनंदपुर साहिब में रह करके लोगों को उपदेश देने लगे तथा इस्लाम कबूल ना करते हुए मुगलों का डटकर सामना करने लगे। आगे चलकर अप्रैल 1685 ईस्वी में आनंदपुर के राजा के कारण इन्हें आनंदपुर छोड़कर जाना पड़ा और ये अपने सैनिकों के जत्थे सहित आगे आनंदपुर साहिब से निकल गए और ये पहुंच गए नाहक नामक स्थान पर, जहां ये 3 वर्ष तक रुके। यहां ये मुगलों के द्वारा सताए हुए राजाओं से मित्रता की तथा सभी राज्यों के सेनाओं को संगठित करने का काम किया
और साथ ही इन्होंने मुगल थाने पर हमला भी किया और नादून का युद्ध जो कि 1687 ईस्वी में लड़ा गया था, उस युद्ध के बाद इन्होंने मुगलों से इस स्थान को बिल्कुल कब्जा से मुक्त कर लिया। 1688 ईस्वी में जब आनंदपुर की रानी साहिबा आई गुरु गोविंद सिंह जी के पास और उन्होंने इनसे प्रार्थना की वापस आनंदपुर साहिब लौट चलने का, तो ये उनकी बात को इनकार नहीं कर सके और अपने सैनिकों के जत्थे सहित वापस आनंदपुर साहिब लौट आए। यहाँ आने के बाद वो 20 वर्षों तक लगभग यहीं पर रुके और अपनी शक्ति अपना प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाने लगे। इनके बढ़ते प्रभाव को देखकर औरंगजेब को काफ़ी चिंता होने लगी और इन्होंने इन्हें पकड़ने का आदेश दे डाला। साथ ही पहाड़ी राजा भी इन्हें अपना दुश्मन समझने लगे और आगे चलकर औरंगजेब तथा पहाड़ी राजा दोनों मिलकर संयुक्त रूप से आनंदपुर साहिब में हमला करके उनकी घेराबंदी कर दी। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह ने सोचा कि क्यों ना सभी सिखों को यानी पंजाब के सभी सिखों को संगठित किया जाए और इन्होंने ऐसा ही किया। पंजाब के सभी सिखों को संगठित करके एक खालसा पंथ की स्थापना की 14 अप्रैल 1699 ईस्वी में। इस खालसा पंथ की स्थापना के बाद इन्होंने लोगों को उपदेश दिया जो ये था कि वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह, और लोगों को मीठा पानी पिलाया जो कि अमृत कहलाया। इस समय इन्होंने अपना नाम गुरु गोविंद राय से बदलकर गुरु गोविंद सिंह रख लिया और यहीं से सिखों के नाम के आगे सिंह लगाने की प्रथा आरंभ हो गई। इन्होंने सिखों के 5 करार बताए जो कि था केस, कंधा, कारा, कचेरा और कृपान। उसके बाद ये आनंदपुर साहब में ही रहने लगे और अपने सेना तथा अपना शक्ति को बढ़ाने लगे। मुगलों ने 3 बार आनंदपुर साहब की घेराबंदी की मगर ये किसी भी तरह से इन्हें पकड़ नहीं पाए। आगे चलकर इन्होंने मई 1704 ईस्वी में मुगल ने फिर से आनंदपुर साहिब में हमला किया और 6 महीनों के लिए घेराबंदी कर दी। उन्होंने सोचा कि जब यहाँ की राशन पानी समाप्त हो जाएगी तब गुरु गोविंद सिंह स्वयं ही हमारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हुआ इनके विपरीत। वे रात में ही अपने 2 बेटों तथा अपने सारे सैनिकों के सहित आनंदपुर साहिब से निकल गए और आनंदपुर साहिब में रह गए इनकी माता गुजरी देवी और इनके 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह। हालांकि ये अपने दोनों बेटे एवं सैनिकों सहित जब यहाँ से निकल गए तो मुगल इनके पीछे पड़ गए। रात भर मुगलों और इनके सैनिकों के बीच झगड़ा हुआ यानी आक्रमण हुआ, हमले हुए, काफ़ी भयंकर तरीके से युद्ध हुए जिसमें कि गुरु गोविंद सिंह के लगभग हजारों सैनिक मारे गए और बचे हुए 40 सैनिक एवं 2 बेटों के साथ ये चमकौर नामक स्थान पर पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर अपने सैनिकों को एक ऊँची हवेली में तैनात कर दिया। लेकिन सुबह होते ही मुगलों ने उस हवेली पर हमला कर दिया और यह युद्ध सुबह से लेकर शाम तक चला। इसमें गुरु गोविंद सिंह जी के बचे हुए 40 सैनिक और उनके 2 बेटों की हत्या कर दी गई। इस हत्या के बाद गुरु गोविंद सिंह जी पूरी तरह से टूट गए और उन्होंने औरंगजेब से बदला लेने के बजाय उन्हें एक विजय पत्र भी लिखा। 29 दिसंबर 1704 ईस्वी में ही इनकी माता और गुजरी देवी जो कि आनंदपुर साहिब में रह गए थे, औरंगजेब ने इनके 2 बेटों को वहां से पकड़ लिया और उन्हें जिंदा दीवार में ही चुनवा दिया, जिस गम में इनकी माता गुजरी देवी की भी मृत्यु हो गई। इतने दुख झेलने के पश्चात इन्होंने अपने आप को यानी गुरु जी ने अपने आप को गुरु ग्रंथ साहब जिसका संकलन गुरु अर्जुन देव ने किया था उसके एक नए अध्याय को जोड़ने में लगा दिया। इन्होंने अपने सारे ग्रंथों का एक संग्रह किया और उसका नाम रखा ग्रसन ग्रंथ। हाँ, इन्होंने साथ में अपनी एक आत्मकथा भी लिखी जिसका नाम था बचित्र नाटक। उसी समय औरंगजेब का दक्षिण अभियान हुआ और औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए मुगल सल्तनत में काफ़ी युद्ध हुए जिसमें बहादुर शाह जफर को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया गया। बहादुर शाह जफर को उत्तराधिकारी बनाने में गुरु गोविंद सिंह ने उनकी काफ़ी मदद की थी जो कि सरहद के वजीर को
बिल्कुल भी रास नहीं आया, इसीलिए उन्होंने अपने पठानों को भेजकर 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी में महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में इनकी हत्या करवा दी। इस तरह गुरु गोविंद सिंह एक महान हस्ती थे जिन्होंने खुद को और अपने परिवार को देश धर्म एवं मानवता के लिए कुर्बान कर दिया। इन्होंने अपने जीवन में लगभग 14 युद्ध लड़े, जिसमें आनंदपुर साहिब का युद्ध, चमकौर का युद्ध, गुलेर का युद्ध, नादौन का युद्ध इत्यादि प्रमुख युद्ध हैं। तो दोस्तों, ये थी सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु, गुरु गोविंद सिंह की जीवनी। इनकी जीवनी आपको कैसे लगी ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।